शुरू हुआ है। गुनाह के तकाजों से घबराना नहीं चाहिए। अब तकाजे आ रहे हैं, क्या करें, सर फोड़े जाके गई। गुनाह के तकाजे आना और उन तकाजों को पूरा न करना और उसका गम उठाना, अल्लाह की मोहब्बत को नक्श दिल में पाना, थोड़ा सा परेशानी तो आना, इसके बाद राहत ही राहत आना। कोई तजर्बा करके देखे। इरशाद फरमाया कि जिसके दिल में गुनाह के तकाजे, हसीनों को देखने के तकाजे ज्यादा हों, उसको परेशान नहीं होना चाहिए। ये तकाजे ही तो अल्लाह ताला का वली बनने का जरिया है। ये तकाजे ही तो अल्लाह की दोस्ती हासिल होने की कीमत अदा हो रही है। अल्लाह ताला का वली बनने का जरिया है, बस इतना करना है। इन तकाजों पर अमल नहीं करना है, बस इतना करना है। बुरे तकाजे आ रहे हैं, बुरे ख्यालात आ रहे हैं, ये कर लूँ वो कर लूँ, आने दो, जोर पड़ रहा साहब बहुत, जितना पड़ेगा जोर, इतना ही अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत का खजाना अता फरमाएंगे। इन तकाजे ही तो अल्लाह के वली का वली बनाने का बनने का जरिया है, बस इतना करना है कि इन तकाजों पर अमल ना करो, जिससे दिल शिकस्ता हो जाए। जो ज्यादा आशिक मिजाज है और ज्यादा नजर बचाता है, उसका दिल बार बार टूटता रहता है, तो बहुत दिल टूटता है, बहुत दिल टूटता है। बस क्या लोग उसके जान निकल जाएगी अगर न देखा तो, देख ले क्या है, मर जाएगा। कह दो, झड़क दो नफ्सों के, नहीं नहीं हम तेरी बात नहीं मानेंगे, हम इसलिए दूसरी, हम अपने मौला की बात मानेंगे, जिसने हमें पैदा किया, तूने हमें पैदा थोड़ा किया, नफ्स देख ले ऐसे, मर जाएगा नहीं तो, कह ले मर गए तो क्या हो गया, अगर मर जाएंगे तो शहीद हो गए, किसके हुक्म पूरा करने में मरेंगे, अल्लाह के, अल्लाह के खौफ की तलवार खा रहा है वो, और अपने को गुनाहों से बचा रहा है वो, और जन्नत का हकदार अल्लाह उसको बना रहा है उसको। जिससे दिल गुनाहों पर अमल न करने से, तकाजों पर अमल न करने से, बुरे तकाजों पर अमल न करने से दिल टूट जाएगा, दिल के टुकड़े हो जाएंगे साहब। अब ये जो है बस दिल के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। हाथी बाजार जाते हैं तो नजर बचाना बड़ा मुश्किल है। अरे साहब कैसे करें भाई, हाथी अच्छे के पास गए थे, मेरा नाम दिल में आएगा जुबान पर, अच्छे के पास गए थे, अच्छा कारोबार दिया उसने, क्या कारोबार दिया कि इधर है तो इधर नजर बचाओ, इधर है तो इधर से इधर नजर करो, तो यही तपिक तपेदिक रहेगी, इसी कश्मकश में रहेंगे बस। अच्छे के पास गए, अच्छे से मिलाने के लिए कह रहे हैं भाई, अल्लाह से बड़ा अच्छा कौन है, अच्छे से मिलना तो उनका तो बहुत खुश होना चाहिए, अच्छे से मिलने के लिए कोशिशें हों, जो अच्छे से मिला रहा है उसका भी शुक्रिया पेश करना चाहिए। क्या बात चली थी, अल्लाह 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 अल्लाह, अब दिल टूटता रहता है साहब। अच्छा जी, ओहो टूटने दो। अना इंदल मुनकसिरति कुलूबुहुम, हदीस है, हदीस कुदसी है, कुदसी किसे कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ने यूं फरमाया। अब अल्लाह का फरमान तो कुरान पाक है, एक फरमान और भी है जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया हो कि अल्लाह ने ये फरमाया और वो कुरान पाक में नहीं है, तो वो हदीस कुदसी कहलाता है। तो अल्लाह के, अल्लाह ने फरमाया अना इंदल मुनकसिरत कुलूबुहुम, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि टूटे हुए दिलों में मैं आ जाता हूँ, टूटे हुए दिलों में मैं समा जाता हूँ, टूटे हुए दिलों में मेरा नूर भर जाता है,
टूटे हुए दिनों में मेरा नूर भर जाता है। जबले तूर जवाकर क्या है, मूसा अलैहि सलाम का वो क्या हुआ था, अल्लाह ताला की तजल्ली हुई थी ना, नूर जाहिर हुआ था किसको, किनको, मूसा अलैहि सलाम, और तूर और पहाड़ को भी जाहिर हुई थी। उस जाहिर में उससे टुकड़े टुकड़े हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। अब वो टुकड़े टुकड़े हो गए तो अब वो दुनिया भर के लिए, इंसानों के लिए आंखों की रोशनी का जरिया बन गया। अगर टुकड़े ना होते तो नूर ऊपर ऊपर रहता ना, टुकड़े हो गए तो अंदर भी पहुंच गया, अब वो नूरानी टुकड़े हो गए। ये दिल भी नूरानी हो जाएगा, जहां जाओगे वहीं नूर पहुंचाओगे। वो आंखों को नूर पहुंचाता है रोशनी, ये जो वली है अल्लाह का, ये लोग कुलूब को नूर पहुंचाएगा। जिसका दिल टूटता रहता है उसमें अल्लाह की तजल्लियात ज्यादा नुफूज करती हैं, अल्लाह की मोहब्बत का नूर ज्यादा आता है। अल्लाह ताला दिल को इसीलिए तोड़ते हैं कि जब दिल पाश पाश हो जाए, जब दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाए तो मेरी तजल्लियात कुर्ब उसके लिए जर्रे जर्रे में दाखिल हो जाए। अभी भी समझ में नहीं आया, जैसे कि कोहे तूर की मिसाल, मैं कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये हजरत वाला ही की का फजल, हजरत वाला की क्या है, हजरत वाला की बरकत है, फजल ताला व बरकत हजरत वाला। जब दिल पाश पाश हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा तो मेरी तजल्लियात कुर्ब उसके जर्रे जर्रे में दाखिल हो जाएंगी। मानो रूमी ने इस मसले को एक मिसाल से समझाया है, बरबरों के चू जद नूर समद पाराए शुद ता दरे दर्द नश हम जनत। जब कोहे तूर की जाहिरी सतह पर अल्लाह की तजल्ली समदियत नाजिल हुई तो टुकड़े टुकड़े हो गया, ताकि मेरे अंदर भी अल्लाह ताला की तजल्ली आ जाए। अगर ये साबुत रहता और न टूटता तो तजल्ली कहाँ रहती, ऊपर ऊपर ही रहती, अंदर दाखिल ना होती। इस तरह लोग जो लोग गुनाह से बचने के मुजाहिदात में अपनी तमन्नाओं का खून करके अपने दिल को क्या कहा भाई, इस तरह जो लोग गुनाह से बचने के मुजाहिदात में अपनी तमन्नाओं का खून करके दिल को पाश पाश करते हैं, तजल्लिए कुर्ब उनके जर्रे जर्रे में समा जाती है अल्लाह की मोहब्बत का नूर, और उनकी नस्बत औलियाए सिद्दीकीन की हो जाती है। औलियाए सिद्दीकीन क्या है, अंबिया किराम का जो मामला है जबरदस्त है, बहुत ऊंचा है, वहां तक तो कोई पहुंचेगा ना पहुंचेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अंबिया किराम के जो है क्या कहना चाहिए, सबसे ऊंचा दर्जा विलायत का वो अंबिया किराम के बहुत करीब है, समझो। अंबिया किराम ही है, उनके बहुत करीब है वो सबसे ऊंचा दर्जा विलायत का, उसको औलिया सिद्दीकीन कहते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु जिनके करीब थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, खातिमुन नबीयीन थे, आखिरी नबी थे। तो जब कोहे तूर की जाहिरी सतह पर अल्लाह की तजल्ली समदियत नाजिल हुई तो टुकड़े टुकड़े हो गया, ताकि मेरे अंदर भी अल्लाह ताला की तजल्ली आ जाए, नूर आ जाए। अगर ये साबुत रहता और ना टूटता तो तजल्ली ऊपर ऊपर रहती, अंदर दाखिल ना होती। इस तरह जो लोग गुनाह से बचने के मुजाहिदात में अपनी तमन्नाओं का खून करके दिल को पाश पाश करते हैं, तजल्ली कुर्ब उनकी जर्रे जर्रे में समा जाती है। यही कह दो, बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी उलझने हैं, उनको बर्दाश्त कर रहा है,
बहुत सी चाहते हैं, नहीं पूरी हो रही हैं, कोई किसी लाइन से परेशान है, नहीं पूरी हो रही है, उस पूरी ना होने पर गम उठा रहा है, गम उठाने में दिल में नूर आ रहा है, दिल में नूर आने से वो अल्लाह की विलायत के ऊंचे दर्जे पर पहुंच रहा है। अजैन शरीफ आ गई, आ गई। उनकी निस्बत औलिया सिद्दीकीन, उनकी निस्बत औलिया सिद्दीकीन की हो जाती है। ऐसे शख्स को, ऐसे शख्स की गुफ्तार, उसका किरदार, उसकी रफ्तार, उसके जीने के अतवार दलालत करते हैं कि ये सीने में एक शिकस्ता दिल लगता है, टूटा हुआ दिल लगता है, उसकी आदत से, उसकी बोली से, उसकी चलत फिरत से, उसकी गुफ्तार रफ्तार से महसूस हो कर लेते हैं दूसरे कि ये कोई टूटा हुआ दिल रखे हुए, चाहे कैसी तजल्ली गमों के हालात भी हों, मीर मेरे दिले शिकस्ता में, ये सीने में एक शिकस्ता दिल लगता है, मेरा शेर है हजरत फरमाए, मेरा शेर है, मीर मेरे दिले शिकस्ता में, मीर मेरे यानी टूटे हुए दिल में, मीर मेरे दिले शिकस्ता में जामो मीना की है फरावानी, सब जामो मीना भरे हुए हैं, अब बार बार अल्लाह की मोहब्बत के जाम पीता रहता हूँ। ऐसा दिले शिकस्ता तदिलियात से मामूर होता है। एक शायर ने इसके मुतालिक अजीब शेर कहा है, मैं कदा में ना खानका में है, मैं कदा शराब, मैं कदा में ना खानका में है जो तजल्ली दिले तबाह में है, मैं कदा में न खानका में है जो तजल्ली दिले तबाह में, जो दिल तबाह हुआ है गमों से, गमों की दाते खा रहा है, तरह तरह की उलझन देख रहा है, परेशानियां सामने आ रही है, अल्लाह की रहमतें उस पर खास हो रही है, मैं कदा में न खानका में है जो तजल्ली दिले तबाह में है। और आखिर का शेर है, हजारों खून तमन्ना, हजारों खून तमन्ना हजारा गम से, हजार खून तमन्ना हजार हा गम से, दिले तबाह में फरमाए रवाए आलम है, दिले तबाह में फरमाए रवाए आलम है। अल्लाह हम सबको अपना खास औलिया सिद्दीकीन में शामिल करना है। आमीन। सर साहब, सिद्दीक की एक नई तारीफ, सिद्दीक किसे कहते हैं? इशारत फरमाए कि औलिया सिद्दीकीन की एक तारीफ बताऊं, औलिया सिद्दीकीन का मकसद मतलब क्या है? औलिया सिद्दीकीन ने बताया ना, जो सबसे ऊंची विलायत रखते हैं, अल्लाह के करीब ज्यादा होते हैं, अंबिया के नाम अलग हैं, वो अलग हैं, वो अलग हैं। एक तारीफ अल्लाह ताला ने मेरे दिल में फरमाई, दिल को अता फरमाई, हजरत फरमा रहे, सिद्दीक वो है जो एक सांस भी अल्लाह को नाराज ना करे। अब तो ठान ली है, इस अब तो इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे, इससे पहले क्या है, अब तो इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे, पहले है क्या करे भाई, जो एक सांस भी अल्लाह को नाराज ना करे, ये हर हर लम्हे ये ख्याल रहे कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए, और हर सांस अपने पालने वाले पर फिदा कर दे, इन जिसकी बंदगी की हर सांस को गैर शरीफाना अमाल से हिफाजत नसीब हो जाए, तहफ्फुज़ नसीब हो जाए, ये मोहब्बत का कितना ऊंचा मकाम है कि अपने अनफास हयात, अपने जिंदगी के सांस, अपनी जिंदगी के हर सांस को अल्लाह पर फिदा कर रहा है, और एक सांस भी अपने मालिक को नाराज नहीं करता है, अगर कभी खता हो जाए तो रो रो कर अपने आंसुओं से सजदगाह को तर कर देता है, वो है सिद्दीक, वो सिद्दीक है, वो सिद्दीक तो वही, वो सिद्दीक वो तो वही सिद्दीक है, लेकिन तकरीबन शायद लाइन मिल जाएगी वही, यानी रहनुमाई मिल जाएगी हजरत की, रहनुमाई मिल गई तो वो काम बन गया। अल्लाह हम सबको औलिया सिद्दीकीन में शामिल फरमाया। ख्वाहिशों का खून हो या हसरत पामाल, हाँ वो भी कुछ और न्यारा सुने, है कुछ ऐसे ही इस तरह का, क्या इतने समझ रहा है, ऐसे ही है,
अब तो इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे। आरजूए खून हो या कि हसरत पामाल हो, वो एक बात है। आरजूए खून हो बनोगे वो, आरजूए खून हो या कि हसरत पामाल हो, क्या मतलब? मेरी तमन्नाएं बुरी ख्वाहिशात को कब दफा हो जाए, कुछ ही हो जाए, मैं यूं नहीं पूरी करूंगा। आरजूए खून हो या कि हसरत पामाल हो, अब तो इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे। तय कर लिया है मैंने तो कि आखिर दम तक अल्लाह मुझे ऐसे ही बना दे। हाँ।